आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अमेरिका के नवनिर्वाचित सदर जो बाइडेन ने लिया कोरोना वैक्सीन। उनकी नायब सदर कमला हैरिस ने भी लिया कोरोना वैक्सीन। शाह सलमान भी कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान कोरोना वैक्सीन? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज में मैं आपका मेज़बान मुंतखब हुसैन फिर एक बार आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक दिलचस्प मौजू लेकर आया हूँ। वो मौजू ये है कि कोरोना वैक्सीन आखिर हिंदुस्तान के वजीर आजम क्यों नहीं ले रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज सारी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ के सरबराहान अपनी आवाम को एतमाद दिलाने के लिए कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं और ये बता रहे हैं अपनी आवाम को कि कोरोना वैक्सीन लेने से कोई ख़तरा नहीं है, वो बिल्कुल बिला खौफ खतर कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं और वो खुद कोरोना वैक्सीन लगवा कर आवाम की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। हालांकि पुर्तगाल में हाल ही में एक नर्स को कोरोना वैक्सीन दिया गया तो उसका इंतकाल हो गया, लेकिन इसके बावजूद बैन अवी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान कोरोना वैक्सीन लेते हुए अपनी आवाम को कोरोना वैक्सीन लेने की तरगीब दे रहे हैं। कई ममालिक के सरबराहान ने अब कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया। खुद अमेरिका के नवमंतखब सदर जो बाइडेन ने और उनकी नायब सदर कमला हैरिस ने भी कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं और आइंदा दूसरा डोज भी कोरोना वैक्सीन का लेने वाले हैं। इधर सऊदी अरब ने भी कोरोना वैक्सीन लिया है। कल शाह सलमान ने भी वैक्सीन लेकर ये बता दिया है कि कोरोना वैक्सीन में कोई ख़तरा नहीं है, लिहाजा कोरोना वैक्सीन लिया जाए। इधर दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भी कोरोना वैक्सीन लेकर वहाँ की आवाम को ये एतमाद दिलाया कि कोरोना वैक्सीन में कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ कोरोना वैक्सीन पर मुख्तलिफ सवाल उठाए जा रहे हैं, खुद एम्स के डायरेक्टर्स की जानिब से कोरोना की जो वैक्सीन बनी हुई है हिंदुस्तान में उस पर सवाल उठाए गए हैं। यहाँ की आवाम में हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन किए जा रहे हैं ताकि आवाम में एतमाद पैदा किया जाए, लेकिन आवाम में एतमाद उस वक्त पैदा होगा जब खुद यहाँ के वज़ीर आज़म कोरोना का वैक्सीन लेंगे या फिर यहाँ के वज़ीर सेहत जो मरकज़ी वज़ीर सेहत है वो कोरोना का वैक्सीन लेंगे। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत सिर्फ आवाम पर ही तजुर्बात करना चाह रही है, लेकिन आवाम को एतमाद में लेने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे। आखिर क्या बात है कि वो कोरोना का वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद हैदराबाद पहुंचकर कोरोना का वैक्सीन बनाने वाली कंपनी में उसका जायज़ा लिया, उसकी वाहवाही की, लेकिन वो कोरोना वैक्सीन लेने से क्यों पीछे हट रहे हैं अभी इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं है। 130 करोड़ आवाम की इस बड़े मुल्क में, इस जमहूरी मुल्क में, अगर यहाँ की आवाम को एतमाद में लेना है और यहाँ की आवाम को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए तैयार करना है तो मैं समझता हूँ कि यह वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो कोरोना का वैक्सीन लें या फिर मरकज़ी वज़ीर सेहत वो कोरोना का वैक्सीन लें, लेकर ये जताएं आवाम को कि और ये बताएं कि कोरोना का वैक्सीन लेने में कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोरोना वैक्सीन लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि कब आकर हमारे मुल्क के जिम्मेदारान कोरोना का वैक्सीन लेकर हमारी यहाँ की आवाम को कोरोना के वैक्सीन से मुतालिक शोर बेदार करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। सारे ममालिक के सरबराह ने कदम उठाया है, लेकिन हमारे मुल्क में हमारे मुल्क के सरबराह अभी खामोश बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह की दीगर खबरों के साथ मैं आपके रूबरू पेश होता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।